बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईओबीआई के लिए आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस है। ईओबीआई के अदारे की वेबसाइट पे अगर जाएं तो आज भी जो वेबसाइट पे नाम लिखा आ रहा है वो चेयरमैन अज़र हमीद साहब का नाम लिखा आ रहा है। चेयरमैन ईओबीआई के जो अभी तक ईओबीआई की वेबसाइट पे नाम इन्हीं का है। अभी अगर पूछा जाए तो ये कहा जाता है कि ईओबीआई के नए चेयरमैन की तैनाती होनी है, लेकिन अभी भी इनकी वेबसाइट पे इन्हीं का नाम है। क्या अज़र हमीद साहब बैकअप पे कोई वर्किंग कर रहे हैं? क्या ईओबीआई की बेहतरी के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? और जुल्फी बुखारी साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ की है उन्होंने, आज हम अज़र हमीद साहब के बारे में जानेंगे और इन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो आपके साथ शेयर करेंगे। अज़र हमीद की सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन जानते हैं ताकि हमें पता चले कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अज़र हमीद पब्लिक फाइनेंस का वसी तजर्बा रखते हैं। उन्होंने IBA से MBA फाइनेंस की डिग्री हासिल की है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। इंफॉर्मेशन में मास्टर किया हुआ है। गुज़श्ता जुलाई से ईओबीआई के चेयरमैन की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। और उनसे जब पहला सवाल पूछा गया कि आपने जब ईओबीआई का चार्ज लिया तो इस अदारे को किन मसाइल का सामना था, अज़र हमीद साहब का कहना है कि जब भी किसी नई जगह काम का आगाज होता है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, इसी तरह ईओबीआई में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। ये अदारा ज़वाल की सूरत में जा रहा था और दिन ब दिन इसकी रेवेन्यू में कमी आ रही थी। इसके अलावा इसमें डिसिप्लिन का फुकदान था। ये मसाइल मुझे विरसे में मिले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी टीम और हमारे वज़ीर जुल्फी बुखारी साहब की वजह से ये कारकर्दगी बेहतर हो रही है। जुल्फी बुखारी के काम से मैं बहुत मुतासर हूँ, उनकी वजह से एक बेहतरीन टीम की तश्कील मुमकिन हुई। सबसे पहले हमें नैब और FIA के खौफ से निकलना होगा। अज़र हमीद से जब नैब और FIA के केसेस के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इसका तल्लक इसलिए है कि जब भी हम अदारे से पेंशन वसूल करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, उस तमाम अमाउंट्स को मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है, इससे मजीद रकम कमाते हैं। हर साल 25,000 पेंशनर का इजाफा हो रहा है अदारों का। जो अब मुलाजमीन की पेंशन की कटौती की रकम हमारे अदारे में जमा होती है इसमें हर साल 5% इजाफा होना चाहिए, दूसरी सूरत में हम खसारे में चले जाएंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे अदारों में इन्वेस्टमेंट करना होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा। और जब दीगर पेंशनर्स की रकम वसूल करने के बावजूद ईओबीआई जमा नहीं करवाते तो इस अदारे के खसारे में जाना यकीनी है। इसके बावजूद ये अदारा मुनाफा बख्श अदारा बन गया है। हमारे अदारे के 4 बीमार यूनिट थे जो 7 साल से बंद थे, अगरचा 2013 में मुकम्मल हो जाते तो 2.5 से 3 अरब का रेवेन्यू अदारे को हर साल मैसर होता, ये रकम किराए की मद में हमें मैसर आती। अब तक हम अदारे में जो काम कर चुके हैं जल्द ही अदारे पर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात आपको नज़र आएंगे। हुकूमत की पूरी तवज्जो पेंशनर्स को पेंशन में इजाफे पर मरकूज है। अगले बरस से बहुत से प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं। अज़र हमीद साहब से जब पूछा गया कि पेंशनर्स के वो कौन से मसाइल हैं जिन पर अब तक तवज्जो नहीं दी गई, अज़र हमीद साहब ने बताया कि सबसे बड़ा मसला किसी भी सरकारी अदारे में माइंड सेट का होता है, सर्विस डिलीवरी की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। हम अपने आप को थानेदार समझते हैं, इस माइंडसेट को तब्दील करना होगा, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, हमें लोगों की खिदमत करनी है। पब्लिक सेक्टर में जब सर्विस डिलीवर की जाती है तो ईओबीआई की एक मिसाल दी जाएगी, हम इस तरह की बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि पेंशनर जिन्होंने हम अपने आप को थानेदार समझते हैं इस माइंडसेट को चेंज करना होगा, पेंशनर्स को आइंदा साल अच्छी खबर मिलेगी, मंसूबे पर काम जारी है, लोग अपना रिकॉर्ड खुद देख सकेंगे। मौजूदा हुकूमत की पूरी तवज्जो पेंशनर्स को पेंशन की फराहमी पर मरकूज है। ईओबीआई चेयरमैन अज़र हमीद, हमें लोगों की खिदमत करनी है, इन पर हुकूमत नहीं। जुल्फी बुखारी के काम से बहुत मुतासर हूँ, उनकी वजह से बेहतरीन टीम की तश्कील मुमकिन हुई।